डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। या ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्शन जो है दूसरे रिएक्शन का स्थान ले लेता है। जैसे कि आप क्लास में प्रवेश किए, एक बच्चा बैठा हुआ था आगे की बेंच पर, आप उसे कहे जरा सा घसको, यहाँ से जरा सा हटो, तो वो जैसे ही आप उसे कहें कि हटने के लिए, वो जैसे ही जरा सा हटा कि आप तुरंत उसके सीट पर बैठ गया, तो आप क्या किए, दूसरे के सीट को ग्रहण कर लिए, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डिफिनीशन है दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह प्राप्त कर लेता है इन ए कंपाउंड, कंपाउंड में आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन जनरल ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और यह देखा गया है कि क्लास में जब भी कोई तेज लड़का होता है वो थोड़े भोदू लड़के का जगह हमेशा ग्रहण कर लेता है, उसके जगह को हमेशा उसके जगह से हटा देगा, है ना। यानी ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक कंपाउंड में से मोर एलिमेंट जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल वन, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, जब हम एक जिंक मेटल का स्ट्रिप लेते हैं, इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट और उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। तो क्या होता है, हमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है, है ना। तो देखिए इसे हम लोग लिखते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में, CuSO4 आपका एक्वस सॉल्यूशन है यानी वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है। दिस इज कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का यह फॉर्मूला हुआ कॉपर सल्फेट। यह आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं जिंक से। जिंक हमारा सॉलिड है, जिंक मेटल का हम लोग एक स्ट्रिप डाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये जो जिंक है हमारा, ये आपको रहेगा कैसा कलर का, सिल्वरी वाइट रहता है, सिल्वरी वाइट रहता है। अब क्या होगा, जिंक जो है वो कॉपर का स्थान ग्रहण करेगा, कॉपर को निकालेगा, कहेगा कि चलो तुम बाहर निकलो, है ना, और उसके जगह पर जाके जिंक बैठ गया और ZnSO4 बना लिया, ये एक्वा हो गया, है ना, कॉपर को निकाल दिया, बन गया क्या, जिंक सल्फेट। अब आप कैसे पहचानेंगे कि जिंक सल्फेट है, तो कलर देखिएगा चेंज हो जाएगा, कलर हो जाएगा आपका कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया, जिसका कि कलर पहले क्या था, ब्लू कलर था, वो अब हो गया कलरलेस हो गया। साथ में आपको निकलता है रिएक्शन के बाद कॉपर सॉलिड रूप में निकल जाएगा, कॉपर को बाहर निकाल दिया, पहले जिंक सॉलिड था बाहर, अब कॉपर बाहर निकल गया जो कि आपका रेड ब्राउन कलर का है, पहले जो जिंक था उसका कलर क्या था, सिल्वरी वाइट, अब आपको कॉपर निकल गया है बाहर जिसका कलर है रेड ब्राउन। तो ये आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, एक दूसरे का जगह परिवर्तन हो रहा है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि जिंक जो है वह हमारा कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम मेटल का पीस लेते हैं, इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर मेटल। चलिए हम केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या ले, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4। कॉपर सल्फेट एक्वस है, वाटर में डिजॉल्व है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, सभी को मालूम है कैसा कलर है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, एक्वस फॉर्म में ये ब्लू कलर का रहेगा, और इसे मैग्नीशियम के साथ हम लोग रिएक्ट कराएं जो सॉलिड है,
और मैग्नीशियम का जो कलर है वो होता है सिल्वरी व्हाइट। मैग्नीशियम का कलर कैसा है? सिल्वरी व्हाइट। जिंक का कलर कैसा था? सिल्वरी व्हाइट। अब ये रिएक्ट किया तो बना दिया क्या? MgSO4। MgSO4 देखिए जगह चेंज करा दिया, एक्वस कॉपर को निकाल दिया कॉपर सल्फेट से और बना लिया क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। अब यह जो मैग्नीशियम सल्फेट बना है इसका कलर कैसा है? कलरलेस सॉल्यूशन है यह, कलरलेस सॉल्यूशन। और इसमें से बाहर निकल गया क्या? कॉपर बाहर निकल गया हमारे को। और कॉपर का कलर क्या है? कॉपर को कैसे पहचानते हैं कि इसका कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन। यानी सिल्वरी व्हाइट से क्या हो गया? रेड ब्राउन। इस प्रकार से यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, जब हम आयरन मेटल जैसे कि हम लोग आयरन नेल ले लीजिए, से एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर मेटल फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वह कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है। चलिए सेम रिएक्शन लिख दूं, CuSO4 एक्वस है, रिएक्ट किया आयरन के साथ जो कि सॉलिड है। आयरन का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। कॉपर सल्फेट का तो कलर सबको मालूम है, ब्लू सॉल्यूशन है। और ये रिएक्ट किया और बना दिया क्या? FeSO4 एक्वस। FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है? कलरलेस नहीं, ये ग्रीनिश कलर होता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन बना देगा, यानी ब्लू सॉल्यूशन से ग्रीनिश सॉल्यूशन बन जाएगा। और साथ में निकल जाएगा हमारे को क्या? कॉपर। कॉपर का कलर तो मालूम ही है, रेड ब्राउन। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं कैसा एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। ये सभी एग्जांपल हैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फोर्थ, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल, जब हम लेड मेटल को इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, देन लेड क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। तो हमारे को क्या क्या बनता है? एक लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर फॉर्म करता है। चलिए इस रिएक्शन को लिखते हैं, CuCl2 ये हमारे को एक्वस फॉर्म में लिए, ये हमारे को गया कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है कॉपर क्लोराइड? ग्रीन कलर का होता है। इसे लेड के साथ हम लोग रिएक्ट कराएं, ये हमारे को सॉलिड है और लेड जो होता है वो ब्लूइश ग्रे होता है। कैसा होता है? ब्लूइश ग्रे। और ये रिएक्ट किया तो हमारे को फॉर्म करता है लेड क्लोराइड। ठीक है, आपका कॉपर के जगह पर जाके कौन बैठ जाएगा? लेड बैठ जाएगा, लेड क्लोराइड फॉर्म करेगा, एक्वस लेड क्लोराइड। और लेड क्लोराइड भी जो है वह कलरलेस होता है, यह भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन ही फॉर्म करेगा। और साथ में निकलेगा क्या? कॉपर। और कॉपर कैसा कलर होता है? रेड ब्राउन। ये एग्जांपल कैसा एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। एग्जांपल 5 देखिए, व्हेन ए कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जब हम लोग कॉपर स्ट्रिप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, देन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल आर फॉर्म। तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सिल्वर मेटल फॉर्म करते हैं। देखिए इस रिएक्शन को, तो क्या करें, सिल्वर नाइट्रेट ले लें हम लोग, 2AgNO3 बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट कैसा कलर होता है? कलरलेस होता है। इसे रिएक्ट कराएं कॉपर के साथ, कॉपर हमारा कैसा कलर होता है? रेड ब्राउन। ये रिएक्ट करेगा तो कॉपर के जगह पर क्या जाकर बैठेगा? सिल्वर बैठ, सिल्वर के जगह पर कॉपर जाकर बैठेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो बना लेगा क्या? CuNO3 का होल 2 कॉपर नाइट्रेट बनाता है, कॉपर
नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट जो है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन, प्लस आपको निकलेगा क्या, सिल्वर निकलेगा, 2Ag सॉलिड रहेंगे, सिल्वर आपको निकल जाते हैं, और सिल्वर जो है वो आपका कैसा कलर का रहेगा, ग्रेइश वाइट। हम लोग जानते हैं कि सिल्वर कलर का रंग ग्रेइश वाइट रहता है सिल्वर हमारा। तो ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एग्जांपल 6, आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब आयरन मेटल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में रहता है, ठीक है, और उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं, आयरन ले लेते हैं जो सॉलिड है, आयरन, ये आयरन फिलिंग्स ले सकते हैं, आयरन फिलिंग्स कहने का अर्थ हो गया कि आयरन का बुरादा, प्लस आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, HCl एक्वस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है आयरन 2 क्लोराइड यानी FeCl2 एक्वस फॉर्म में, आयरन 2 क्लोराइड। आयरन 2 क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन देखिए आपका अनबैलेंस है, क्लोरीन आपका इधर 2 है और इधर 1 है, तो 2 कर दीजिए यहाँ, अब बैलेंस्ड हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल 7, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। और ठीक इसी तरह से मैग्नीशियम भी आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बनाता क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम हम लेते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है मैग्नीशियम, ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, प्लस HCl एक्वस है, HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, MgCl2, MgCl2 एक्वस प्लस आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्लियर, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करते हैं, क्लोरीन यहाँ देखिए कितना है, 2 एटम्स है, तो लेफ्ट साइड में भी 2 HCl कर दिए, बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल 8 देखिए, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस, और बनाता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस। देखिए सोडियम है हमारे को सॉलिड, प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जो कि लिक्विड है, और रिएक्ट करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर। सोडियम हमारे को सॉलिड, वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां देखिए आप दोनों साइड देखें तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन आपको कितने हैं, 2+1 3 हाइड्रोजन है, और लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2 है, तो हम इसे 2NaOH कर दे तो राइट साइड में कितने हो गए, 2+2 4, और इधर भी 2H2O कर दिए तो 4 हाइड्रोजन हो गया, और देखिए सोडियम क्या है राइट साइड में, 2 है, तो लेफ्ट साइड में भी 2 कर दीजिए, हो गया। अब देखिए सभी कुछ बैलेंस्ड हो गया, यानी दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, और दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देख रहे हैं सोडियम आपका वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, 2NaOH+H2 गैस, वाटर में आपका OH क्या हो गया, रिप्लेस, OH में हाइड्रोजन रिप्लेस किया है ना, H2O में OH बच गया और हाइड्रोजन रिप्लेस करके गैस अलग बन गया, और वहां पर आपका
आपको OH के साथ क्या संयोग कर लिया, सोडियम, और बना लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। क्लोरीन गैस जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है सॉल्यूशन के साथ टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन, और बनाता क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। क्लोरीन गैस ले लीजिए और इसे रिएक्ट कराइए पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यह एक्वस है पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड को, कैसे लिखते हैं Ki, तो ये क्या देता है 2KCl प्लस आयोडीन, क्या दे दिया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, साथ में क्या निकला आयोडीन निकला। क्लियर, तो यहां आप देख रहे हैं आयोडीन के जगह पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, है ना। तो एग्जांपल ऑफ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन आप देखिए बैलेंस्ड नहीं है, इसे बैलेंस कर देता हूं, हो गया बैलेंस्ड। एग्जांपल 10 देखिए, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ मैग्नीशियम पाउडर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर आर फॉर्म्ड। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, CuO सॉलिड है, इसे मैग्नीशियम सॉलिड के साथ रिएक्ट कराएं तो ये दे दिया क्या हमारे को मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर का जगह डिस्प्लेस कर दिया और मैग्नीशियम के जगह पर क्या आ गया कॉपर। क्लियर, ये हमारे को कॉपर ऑक्साइड है और ये हमारे को मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एग्जाम्पल 11, व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड इज हीटेड विद अल्मोनियम पाउडर देन अल्मोनियम ऑक्साइड एंड आयरन मेटल आर फॉर्म्ड। अब देखिए आयरन 3 ऑक्साइड है, यानी क्या है Fe2O3, ये सॉलिड है प्लस 2 अल्मोनियम, ये भी सॉलिड है, ये रिएक्ट किया और बनाया क्या Al2O3 सॉलिड प्लस 2 आयरन, आपको लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में Fe2O3 हमारे को क्या हो गया आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3, जिसे कि हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या फेरिक ऑक्साइड, इसे ही कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में निकालता क्या है आयरन मोल्टन फॉर्म में। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।